हेलो फ्रेंड, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल BTHSOLD में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कोई भी मटेरियल आपको चिपकाना है तो कैसे चिपका सकते हैं, यानी स्टिक मटेरियल के बारे में बात करने वाला हूँ। स्टिक मटेरियल होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपको कोई भी चीज़ चिपकाना है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ टूट गया, कोई चीज़ फट गया या कोई चीज़ किसी भी तरह से टूट या फट गया, तो उसे आप कैसे चिपका सकते हैं, उसके लिए अलग अलग मटेरियल आता है अलग अलग ग्रेड का, जिसके इस्तेमाल से आप उसको चिपका सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको खास करके ये बताने वाला हूँ कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग पेस्ट आता है। आप चाहे तो जो लकड़ी का पेस्ट है उसको आप प्लास्टिक में नहीं यूज कर सकते, प्लास्टिक का पेस्ट है उसको लकड़ी में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो चिपकेगा नहीं। जो लकड़ी के लिए बनाया है लकड़ी में चिपका सकते हैं, जो लोहे के लिए बनाया हुआ है वो लोहे में ही लगा सकते हैं, और जो और भी चीज़ के लिए बनाया हुआ है वो उसमें ही उसको यूज करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं तो मान लीजिए कि जैसे फेविकिक है तो फेविकिक से आप कोई भी चीज़ चिपका सकते हैं, पर फेविकोल है जो लकड़ी के लिए यूज होता है वो लकड़ी में ही चिपकेगा, और किसी चीज़ में आप चिपकाना चाहें तो वो नहीं चिपकेगा क्योंकि वो लकड़ी के लिए ही बनाया हुआ है। इसके लिए इस वीडियो में आपको 14 से 15 ऐसे स्टिक मटेरियल बताने वाला हूँ जो अलग अलग ग्रेड का अलग अलग वस्तु के लिए है। जैसे इसमें आ जाएगा लोहे को चिपकाना है तो कैसे चिपका सकते हैं, फाइबर को चिपकाना है तो कैसे चिपका सकते हैं, सिरामिक को चिपकाना है तो कैसे चिपका सकते हैं, लकड़ी को चिपकाना है तो कैसे चिपका सकते हैं, या फिर कोई कांच का मटेरियल है वो टूट गया तो आप कैसे चिपका सकते हैं, मिट्टी में आपको कोई चीज़ लगाना है, क्लंपिंग करना है तो उसके लिए भी एक पेस्ट आता है जिसके मदद से आप मिट्टी में भी कोई चीज़ चिपका सकते हैं या फिर उसे माउंट कर सकते हैं। तो इस मटेरियल है जिसके मदद से आप कोई भी चीज़ आपको चिपकाना है तो उसे चिपका सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एरल्ड्रेट की बात करते हैं। तो एरल्ड्रेट एक ऐसा पेस्ट है जो दो पेस्ट आता है उसको मिक्स करके और आपको कोई भी चीज़ चिपकाना है तो उसे चिपका सकते हैं। बेजोड़ का मतलब कि वो थोड़ा टाइम लेता है, आधा घंटा से 15 मिनट तक उसको टाइम देना चाहिए चिपकाने के बाद से। चाहे जो भी चीज़ आपको चिपकाना है, मिट्टी के सिवाय आपको कोई भी चीज़ उसे चिपकाना है तो उसे चिपक सकता है एकदम लोहे की तरह, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगता है, फेविकिक की तरह तुरंत नहीं पकड़ता है। इसके लिए आपको ये खास करके ध्यान रखना चाहिए। उसमें दो पेस्ट आता है, दोनों पेस्ट को बराबर मात्रा में मिला के और उसको जो चीज़ लगाना है उसमें, जो चीज़ चिपकाना है उसमें लगाकर, दोनों आइटम में जो दो चीज़ टुकड़ा टूटा हुआ है उसमें दोनों में थोड़ा थोड़ा लगाकर और दोनों को जॉइंट करके कहीं क्लंप करके रख दें या कहीं से दबा दें या कोई भी चीज़ उसके ऊपर रख दें और आधा से एक घंटा तक उसको छोड़ दें। फिर उसके बाद से वो सूखने के बाद वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, मतलब एकदम लोहे के जैसा हो जाएगा। आपका जो मटेरियल चिपका है वो मटेरियल चिपका आप छोड़ाएंगे तो वो मटेरियल टूट जाएगा, लेकिन जहाँ से चिपका हुआ है वो नहीं टूटेगा। ऐसे ही फेविकिक की बात करें तो फेविकिक तुरंत ही काम करता है, मतलब एक से दो सेकंड में चिपक जाता है, पर इसका कुछ लाइफ वैसा नहीं होता है जैसे इसके पहले वाले जो मैं गम के बारे में बात किया, यानी एरल्ड्राइट की बात किया, उसके मामले में थोड़ा, क्योंकि ये फास्ट काम करता है, फेविकिक फास्ट काम करता है, वो स्लो काम करता है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होता है और वो टिकाऊ होता है, और ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है पर ये जल्दी काम करता है, बस फ़र्क इतना है। तो ये दो आइटम हो गया, और भी आगे आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप मटेरियल होता है। एक बार सभी मटेरियल का मैं आपको, ये है एरल्ड्राइट, इसके बारे में इसके पहले बता चुका हूँ कि इसकी खासियत क्या है और इसे कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं। ये खास करके सभी मटेरियल में काम करता है और इसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, नहीं तो ये जल्दी नहीं सूखता है और एक बाइक नहीं सूखता है। इसमें और भी मटेरियल आता है जो जल्दी सूख जाता है पर वो थोड़ा कॉस्टली होता है, पर दोनों का काम सेम होता है। इसके बाद से बात करूँ फेविकिक का, तो फेविकिक फास्ट काम करता है लेकिन इसमें आप लॉन्ग टाइम तक नहीं चला सकते क्योंकि ये फास्ट काम करता है और जल्दी छूट जाता है। ये भी कोई ख़राब नहीं है, ये भी बहुत अच्छा ही है, पर और ये सभी जगह मिलेगा आपको, कहीं भी किराना स्टोर में जाइए या फिर और कहीं से भी इसको ले सकते हैं। इसका खासियत यह है कि तुरंत चिपक जाता है और ये भी किसी भी मटेरियल में चिपका सकते हैं, चाहे लकड़ा हो, लोहा हो या फिर और कोई भी मटेरियल हो, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं PVC सीमेंट का। PVC सीमेंट एक इंडस्ट्रियल लिक्विड है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर घर या ऑफिस में नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल खास करके होता है वो PVC का जो पाइप आता है उसे ज्वाइंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पाइपलाइन करना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइपलाइन में जो PVC आता है उसको चिपकाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर घर में आप पाइपलाइन करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल पाइपलाइन में कर सकते हैं, यानी PVC में, PVC मटेरियल में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक का कोई भी आइटम है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद बात करता हूँ फेविकोल का। फेविकोल जो है वो आप लकड़े के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेविकोल खास करके लकड़े के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपको फर्नीचर का काम है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें दो ग्रेड आता है, एक फर्नीचर के लिए आता है और एक प्लास्टिक के लिए आता है। जो अभी मैं दिखाया वो प्लास्टिक और फर्नीचर दोनों में यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा होता है और नंबर वन की क्वालिटी है इसका, फेविकोल का। और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल वुड या फिर फर्नीचर का जो काम करते हैं, सनमाइका आपको चिपकाना होता है, लकड़ा चिपकाना होता है, उसमें आपका आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद से फिर से एक बार मैं फेविकोल का बात करता हूँ। फेविकोल ये अलग ग्रेड का है, ये 998 ग्रेड का है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आपको रबर या फिर कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको लेना है, किसी मटेरियल को चिपकाना है ताकि वो कभी उड़े ना, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप रबर चिपका सकते हैं, सनमाइका चिपका सकते हैं, या फिर लोहे या लेदर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद से बात करता हूँ एनाबोंड का। एनाबोंड भी एक ऐसा ग्रेड है जिसमें आप फेविक्विक की जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी फेविक्विक के जैसा ही इसका स्ट्रेंथ है और ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये एक बार चिपक गया तो फिर जल्दी छोड़ता नहीं है और सूखने में भी टाइम नहीं लेता है। ये क्विकली फास्ट काम करता है, मतलब ये बहुत ही जैसे फेविक्विक काम करता है सेम उसी प्रकार से ये भी काम करता है, लेकिन फेविक्विक से ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ है। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सभी मटेरियल में आप कर सकते हैं, लकड़ा हो, वुड हो, कपड़ा हो या फिर फर्नीचर हो, कोई भी काम में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी फेविक्विक के सही आता है। इसके बाद से बात करता हूं फेविबोंड का। फेविबोंड भी एक रबर मटेरियल है, इसको ज़्यादातर सुलेशन के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। जो पंचर वंचर का काम करते हैं वो ज़्यादातर इसको यूज करते हैं। आपको भी अगर रबर चिपकाना है या रबर से रिलेटेड कोई भी काम है जो आप जिसका चिपकाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर सुलेशन के तौर पर काम आता है, जैसे कि मान लीजिए पंचर साइकिल हो जाता है तो बनाते हैं, या फिर और कोई भी ट्यूब आपको चिपकाना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद से बात करते हैं फेविल लॉकटाइट का। लॉकटाइट भी एक तरह के स्टिक मटेरियल है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में होता है। और इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई मशीन है और मशीन में बार बार नट खुल जा रहा है तो इसको लॉकटाइट के तौर पे इसको यूज करते हैं। इसका नाम ही है लॉकटाइट। इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी बोल्ट है उसका नट बार बार खुल जा रहा है तो इसको थोड़ा सा दो बूंद गिरा के और नट को टाइट कर देंगे तो बार बार खुलेगा नहीं। या फिर कोई भी मशीन नया फिटिंग कर रहे हैं और उसमें आप दो बूंद गिरा के इसको लगा के और टाइट कर देंगे तो वो जल्दी खुलेगा नहीं वाइब्रेशन में, तो इसका इस्तेमाल वहाँ करते हैं। और ये खास करके लोहे में यूज होता है, लोहे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद से बात करता हूँ रबर सोल्यूशन का। रबर सोल्यूशन भी आप नाम से समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, खास करके ये भी पंचर के ही दुकान में और पंचर की जगह पर इसको यूज करते हैं। ये रबर चिपकाने का काम आता है, बस ये रबर में ही काम करता है। इसका इस्तेमाल आप रबर में कर सकते हैं, जैसे पंचर बनाना है, कोई भी ट्यूब आपको चिपकाना है तो इसे चिपका सकते हैं। इसके बाद से बात करते हैं फिर एक लॉक टाइट का। इसके पहले एक लॉक टाइट बताया वो हैवी स्ट्रेंथ का था, और ये जो लॉक टाइट है ये उतना हैवी स्ट्रेंथ का नहीं है, ये कम स्ट्रेंथ का है। लेकिन इसका खासियत क्या है कि इसमें सभी स्ट्रेंथ के लिए मिलता है, जैसे आपको थोड़ा मीडियम स्ट्रेंथ, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ, ऐसा ऐसा करके आपको बढ़ाते जाना है तो इसमें आपको स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। इसमें 222 है और 243 है, 263 है और 290 है। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। स्ट्रेंथ मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई नट में 222 का डाल रहे हैं, उसके जगह पे आप 243 का डालेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा। उसके बाद से उससे ज़्यादा आपको लेना है तो उससे ज़्यादा वाला जो है उसको आप इस्तेमाल करके और अपने बोल्ट में ज़्यादा स्ट्रेंथ दे सकते हैं। यानी जो जल्दी खुल जाता है और वो नहीं काम करता है तो आपको स्ट्रेंथ बढ़ा देना पड़ेगा, तो थोड़ा और टाइट हो जाएगा। मान लीजिए वो भी नहीं काम करता है, उसके बाद से अगर थोड़ा और स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो उससे उसके दूसरा वाला उसको इस्तेमाल करके आप उसे लगा सकते हैं और धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इसमें अलग अलग ग्रेड है, जो ग्रेड आपको पसंद आए और जो ग्रेड आप अपने यूज में लेना चाहते हैं, आपके काम आता है, वो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और वही आप मंगा सकते हैं। इसके बाद से एनाबोंड 360 प्लस सिलिकॉन। ये एनाबोंड 360 प्लस ये क्या है, एक ये गास्केट मटेरियल है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और वाहन और मोटरसाइकिल में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये खास करके गास्केट के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि मान लीजिए मशीन का गियर बॉक्स है गाड़ी का, या फिर मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन का गियर बॉक्स है, जहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ ऑयल भरा होता है और वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन में आप उसका इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे गास्केट लगा होता है, तो गास्केट कभी टूट जाता है तो उसके जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पेस्ट होता है, अंदर से पेस्ट थोड़ा निकाल कर और सभी साइड में ऐसे लगा कर, और फिर हम इसको इससे लगाने के बाद थोड़ा देर छोड़ देंगे, मतलब एक दो सेकंड, उसके बाद से हम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद आप रुपये अपने आप ये चिपक जाता है और फिर हम ऊपर से टाइट कर देंगे तो ये लीकेज नहीं होने का था। तो इसका खास करके काम है गास्केट मेकर का। इसका इस्तेमाल
आप कोई भी चीज़ चिपकाने के लिए आप नहीं कर सकते हैं। इसको खास करके गास्केट मेकर के तौर पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सिलिकॉन टी प्लस है। सिलिकॉन क्या है कि ये सिलिकॉन मटेरियल है जो सिलिकॉन के जैसा होता है, सिलिकॉन रबर जैसा होता है, वो एकदम किसी भी मटेरियल में चिपक जाता है और लीकेज नहीं होने देता है। और ये खास करके इसका खासियत कि थोड़ा ये हीट में भी काम करता है, मतलब थोड़ा गर्म भी रहे तो उसमें भी ये काम कर सकता है। इसके बाद से बात करते हैं इप्पल ED10। इप्पल ED10 एक ऐसा स्टिक मटेरियल है जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा स्टिक मटेरियल है। और ये खास करके आपको रबर, प्लास्टिक और लकड़े या फिर सिरामिक और भी कोई भी मटेरियल में आपको इसका इस्तेमाल करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है जो चिपकाने में बहुत ही ये काम करता है। और ख़ास करके जूता चप्पल या फिर लेदर से रिलेटेड जो भी मटेरियल है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे लोहा भी चिपका सकते हैं जैसे, और इसे आपको कहीं से पानी लीकेज कर रहा है, टैंक है या फिर और भी कोई बड़ा लुब्रिकेंट है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एमसिल का। एमसिल भी एक ऐसा स्टिक मटेरियल है जिससे आप चाहे तो जो भी चिपकाना है उसे चिपका सकते हैं। जैसे इसका खास क्या काम होता है, मान लीजिए कहीं से पानी टपक रहा है, जैसे छत है उसमें भी थोड़ा पानी टपक रहा है या फिर टैंक है उसमें से कुछ पानी टपक रहा है या फिर कोई टूट गया है, तो इसके इस्तेमाल से आप वहाँ लगा के पानी लीकेज बंद कर सकते हैं या फिर कुछ टूट गया तो उसको जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से इसका काम है और ये ज़्यादातर यूज होने वाला आइटम है और घर, होम इंडस्ट्री या कोई भी जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर पानी टैंक में यूज होता है और ये किसी भी मटेरियल में काम करता है। जैसे मान लीजिए इसमें कोई ज़रूरी नहीं है लोहा हो, प्लास्टिक हो या कोई भी आइटम हो, ये किसी भी मटेरियल में काम कर जाता है। इसके बाद से बात करते हैं WD-40 का। WD-40 ये स्टिक मटेरियल नहीं है लेकिन ये ज़्यादातर जंग रोधक ऑयल है, ऑयल टाइप का या स्प्रे टाइप का आप समझ सकते हैं इसको। ये एक स्प्रे है, मान लीजिए कोई बोल्ट या नट पूरा जाम हो गया है और खुल नहीं रहा है तो इसको ऐसे स्प्रे करके और थोड़ा देर छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो आसानी से खुल जाएगा। या फिर कुछ आपको क्लीनिंग करना है, कांच वाँच है उसको आपको क्लीनिंग करना है, तो इसके इस्तेमाल से आप कोई भी कांच या गाड़ी का कांच हो या कोई भी कांच हो या दरवाजे में कुछ कांच लगा है या फिर और अदर कहीं जगह भी कांच लगा है तो उसको आप इसके मदद से साफ कर सकते हैं। एक तरह के क्लीनर भी है और एक तरह के जंगरोधक स्प्रे है इसको, जिसके मदद से आप अच्छे से कोई भी नट बोल्ट है इसे आप खोल सकते हैं। थोड़ा इसको स्प्रे कर देना होगा, उसके बाद से थोड़ा देर छोड़ देना होगा, फिर बाद से आप उसे आसानी से खोल सकते हैं और आसानी से खुल जाएगा। खास करके इसका काम ज़्यादातर कांच और गाड़ी का जो शीशे होते हैं आगे का, वो सब क्लीनिंग करने में इसका काम आता है। और भी इंडस्ट्री में ज़्यादातर इसका यूज होता है जो अलग अलग तरीक़ों से इसका यूज करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा मटेरियल है पर ये स्टिक मटेरियल नहीं है, ये दूसरा कुछ मटेरियल है जो आप क्लीनिंग में काम कर सकते हैं या फिर जंग रोधक कोई आइटम है तो उसे इसमें डाल के और जंग लगाए उसको साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बताऊँगा और लगभग मेरे को समझ में आ गया हो कि सभी तरह के स्टिक मटेरियल के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन है उसे जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारा वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो ये था आज का कुछ स्टिक मटेरियल के बारे में और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आपको